लाड़वा की ई दिशा केंद्र के अंदर पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत लाड़वा पीपली और बाबैन थाने के एएसआई अधिकारियों की एक बैठक डीएसपी भारत भूषण के कार्यालय में की। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि लाड़वा तीनों मंडलों के एक एक एएसआई अधिकारी अपने अपने मंडल के तीन तीन गाँव में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ साथ गाँव में किस प्रकार की कमी है उसको दूर करवाने के लिए उससे संबंधित सरपंच व खंड एवं पंचायत कार्यालय में बात कर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही गांव में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों को बिना थाने में लाए उनका वहीं निवारण करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर डीएसपी भारत भूषण से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में बिकने वाले अवैध रूप से नशे व शराब के कारोबार पर भी पुलिसकर्मियों की पूरी तरह से निगरानी रहेगी जिससे कि गांव में अवैध रूप से शराब व नशा ना बिके। आज का मुख्य मकसद हमारा ये था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे राहगीरी शुरू की है उसमें पुलिस प्रशासन का और पब्लिक आपस का सहयोग हो और आपस का प्रेम प्यार एक पारिवारिक रिलेशन बढ़े, तो उसमें हमने जो है ना कुछ दिन पहले हमारे जो डिप्टी साहब हैं भूषण जी उनसे चर्चा हुई थी। हमारे जो पुलिस के जवान हैं एएसआई हैं तो एक एएसआई को हम जो है ना कोई एक गांव दें, हम उसको हम AGSY के नाम से आदर्श ग्राम संकल्प योजना, जो आदर्श गांव की हमारी जो कल्पना है तो उस कल्पना को अपने को साकार करने के लिए संकल्प लेना है, तो आदर्श ग्राम संकल्प योजना हम लोगों ने बनाई है। उसमें एक मुलाजम को हमने एक गांव दिया, लगभग एक थाने से लगभग तीन गांव, तो उन तीन गाँव के अलग अलग कमेटी हम लोग बनाएंगे। वहाँ का जल का संरक्षण कैसा है, वहाँ स्वच्छता कैसी है, वहाँ का शिवधाम कैसा है, वहाँ के जो है ना पर्यावरण कैसा है, वहाँ पर खेल की सुविधाएं हैं या नहीं है, वहाँ पर पोलिथीन से मुक्त अपने करना है, अपने को नशा मुक्त करना है अपने को, वहाँ कोई अतिक्रमण तो नहीं है, वहाँ पर कोई अवैध खुर्दे तो नहीं है, वहाँ के CCTV कैमरे सुरक्षित योजना के तहत सुरक्षित गाँव हमारा है कि नहीं, वहाँ CCTV के कैमरे ठीक है कि नहीं, गाँव में हवन यज्ञ करने की परंपरा चले, वहाँ में पर्यावरण अच्छा हो उसके लिए पौधारोपण हमारा हो वहाँ पर, तो ऐसी लगभग 12 पॉइंट्स हैं। उन 12 पॉइंट्स के बारे में हमने सारे अधिकारियों से चर्चा की है और गांव में जा करके सरपंच से समन्वय बना करके वहाँ कमेटियाँ गठित करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें हम एक संकल्प लेंगे गाँव को आदर्श बनाने का। उस नाते आज बैठक थी और ये सारा हमारा जितना भी है इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे DSP साहब हैं भूषण जी, इनके नेतृत्व में सारा ये चलेगा, सारी टीम इनके नेतृत्व में चलेगी। लाड़वा थाना के अंदर कितने पुलिस वाले काम करेंगे इसमें? उसमें हमारे तीन थाने हैं इस लाड़वा विधानसभा क्षेत्र में, पीपली है, बबैन है, लाड़वा में, तो एक थाने से लगभग तीन गाँव तीनों ब्लॉक के, जैसे जो लाड़वा थाने के अंतर्गत जितने गाँव आते हैं जैसे तीन गाँव इसमें दिए हैं, इसमें एक बरोट लिया है, एक जोगी माजरा लिया है, एक लिया है ध्यांगला, ऐसे जो पीपली थाना के अंतर्गत आते हैं उसके अंदर एक गांव समाणी लिया है और एक गांव में यहाँ ये बीड़ में थाना लिया है और ऐसे तीन गांव हमने उसके अंदर लिए हैं। और ऐसे जो है जो हमारा बबैन है उसके अंदर से जैसे बीड़ काड़वा लिया है, काड़ माजरा लिया है, भैणी लिया है, तो ऐसे तीनों थानों के अंतर्गत तीन तीन गाँव को हमने एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लेने की योजना से हमने एक गांव दिया है। आज डॉक्टर पवन सैनी जी हमारे एम एल ए साहब हैं, आज उन्होंने पहले चर्चा हुई थी कि ब्लॉक लाड़वा ब्लॉक में सब डिवीज़न में बबैन और सदर थानेश्वर एरिया में जितने भी गांव पड़ते हैं उनमें से हम तीन तीन गांव को चुनेंगे जिनको एक आदर्श ग्राम संकल्प योजना के नाम रखा गया है, जिसमें लाड़वा में तीन गांव, बबैन के अंदर तीन गांव और सदर थानेश्वर पुलिस स्टेशन के अंदर भी तीन गांव हमने आज सेलेक्ट किए हैं मीटिंग में, जिनमें से हर थाने से तीन तीन आईओ बुलाए गए हैं जिनको उनके नाम बता दिए गए हैं। इस योजना के तहत इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर वो ASI या हेड कांस्टेबल जो जिसको गाँव दिया गया है वो उस गाँव में जाकर गांव के सरपंच से मौजूद व्यक्तियों से मीटिंग करेगा, उस गांव के अंदर किसी भी प्रकार की जो भी कमियां हैं और अवैध शराब बिक रही है, अवैध नशे का कारोबार जो बच्चे कर रहे हैं और उनकी उनके साथ मीटिंग भी करेगा और उनके साथ गांव के अंदर किसी भी प्रकार जैसे गांव के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, इशू क्या है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, किसी का गांव के अंदर जैसे कोई ज़मीन का विवाद है
और किसी का बंटवारे का कोई विवाद है इस प्रकार के जिससे गांव में तनाव रहता है उस पर विशेष नज़र रखेगा और उसमें गांव में जाकर भाईचारे में उसको निपटाने की कोशिश की जाएगी। और जो बच्चे युवा शराब का काम कर रहे हैं अवैध का या नशे की तरफ जो काम कर रहे हैं उनकी सूची हासिल करके उनके गांव में मीटिंग करेगा। उस मीटिंग में हमारे पूर्व विधायक सैनी साहब भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा, एक गांव की बुजुर्ग आदमी भी होंगे उसमें युवा भी होंगे, उसकी मीटिंग भी की जाएगी और उस गांव को एक सैंपल के तौर से एक मॉडल के रूप से तैयार किया जाएगा। और जैसे ही हम इसमें सक्सेस होंगे इसके अलावा फिर इससे ज़्यादा हम दूसरे गांव लेंगे, हम पूरे इस विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में बनाना चाहते हैं। इसमें जो हमारा पवन सैनी जी का सहयोग एक मेन रहेगा क्योंकि पुलिस को अमूमन गांव के अंदर जाते हैं तो काफी दिक्कत आती है। कुरुक्षेत्र से वैभव चावला की रिपोर्ट। नेशनल 18 चैनल की और न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।